आज हम बनाने जा रहे हैं करेले का भरवा, स्वादिष्ट एकदम नए तरीके से। अच्छे से धुल के साफ़ करके इसको काट करके रख लिया है। बीज से इसका बीज निकाल के अलग रख ले, जब मसाला बनाएंगे उसमें डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालें, नमक से इसका कड़वापन निकल जाएगा। नमक को अच्छी तरह से इसको लेप लगा दें और इसको 10-15 मिनट के लिए रख दें। भरवा बनाने के लिए हमने मसाला तैयार करना है, उसके लिए लिया है अजवाइन 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मंगरैल, 2 चम्मच धनिया और 2 लाल मिर्च। आइए इसको भून लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से भुन गया है। अब इसमें गैस बंद करके अजवाइन डालेंगे, ठंडा करके पीस लेंगे। भिगोया था, कितना सॉफ्ट हो गया ये और इसका कड़वापन थोड़ा चला जाता है। अब इसको बढ़िया से धुल लेंगे, निकाल लें। अब इसको थोड़ा स्टीम कर लेंगे। देखिए हमने पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें से रखेंगे और इसको ढक दें। आइए इसका मसाला बनाते हैं। पैन गर्म कर लिया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन, इसको भी 2 मिनट तक ढककर पका लेंगे। प्याज थोड़ा भुन गया है, अब इसमें जो बीज निकाले थे वो डालेंगे। आधा चम्मच नमक, मीडियम फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक पका लें। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो हमने मसाले बनाए थे भुने थे उसको पीस लिया है वो इसमें मिलाएंगे। 1 चम्मच नींबू का रस, ये हम 1 चम्मच अचार का मसाला डालते हैं, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें थोड़ा खट्टापन का स्वाद आएगा इससे, नींबू और अचार के मसाले से, और करेले का कड़वापन भी कम हो जाएगा। जो नहीं, देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा बन गया है। अब ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देंगे, गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये करेले को अच्छे से ये स्टीम हो गए हैं। अब इसको गैस बंद करके इसको निकाल लेते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। मसाला भी ठंडा हो गया और करेले भी ठंडा हो गया है। अब इसमें अच्छे से भरते हैं, ऐसे ही सारा भर लेंगे करेले। मसाला अच्छे से भर गया है। अब इसको, वैसे तो ये खुलता नहीं है, इसमें धागा आप लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई कर देते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे भरवा। अच्छे से इसको रखिए, इसमें अच्छा कलर भी आ रहा है। हो गया है, देखिए कितना बढ़िया। देखिए